मैं ना आपको पसंद करता हूँ और आई लाइक यू एंड मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, आई लव यू। हाँ जी, प्रैंक नहीं है, सच में सीरियस यार, प्रैंक करूँगा। देख लो कैमरा, लाइट जल रही है? नहीं, बंद है। मैं आपको पसंद करता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सच्ची बोल रहे हो ना? सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं भी तुम्हें लाइक करती थी, मेरे भी दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थैंक यू तुमने बता दिया मेरा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, ठीक है? किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। जहाँ प्यार हो या किसी भी चीज़ के लिए बोलोगे जो मैं पूरा करूँगी। बस यार कभी धोखा मत देना, बाकी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं आपसे ना मजाक कर रहा था यार। क्या मजाक? ठीक है यार, चुप रहो, ठीक है? तुम और तुम्हारी यूट्यूब फैमिली बाहर में जाए, ठीक है? बहुत हो, किसी की फीलिंग का ना मजाक बनाने का एक लिमिट होती है। हर बार यार तुमने मेरे साथ जो जैसी जैसी फीलिंग वो करना चाहा मैंने करा, ये गलत है ना? तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। अरे तो रो क्यों रहे हो? अरे सुनो तो सही, अरे सुनो एक मिनट, अरे इधर तो आओ। अरे तो चली गई यार। अरे सुनो, जो ये वॉर ग्रुप था ना, ये उसका मेंबर है भाई। ये इतना घटिया बंदा है ना, कॉल मैसेज पे मेरे को गालियां दे रहा है। तू यही चीज तो चाह रहा है, मैं तेरा नाम लूं, तेरे ऊपर वीडियो बनाऊं और तुझे फेम मिल जाए। तू दोगला था, दोगला है और तू दोगला ही रहेगा। और जो तूने गालियां दी है ना माँ बहन की, जो तूने शुरू करा है वही बात नहीं बेटे, खत्म मैं करूंगा, तू मिल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई यार अच्छे ही होगे। तो भाई आज हम चल रहे हैं अपनी क्यूट गर्ल के पास, और जो आपने बोला था ना, जो आप सोच रहे थे इतने टाइम से, आप डिमांड कर रहे थे, आज वही प्रैंक है भाई उसके ऊपर। अभी हम बाहर मेन रोड पे निकल लेते हैं, पहले अपनी बाइक भी काफी गंदी हो रही है यार, इसको भी वॉश करेंगे। वॉश अपने हाथ से करने में मजा आता है भाई, दूसरे की वॉशिंग में मुझे मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग कर लेता हूँ भाई। वो लोग ऐसे ऊपर से उल्टा सीधा गंदा कपड़ा मार दिया और हो गया। तो आ रहे भाई मेन रोड पे, और अभी हम चल रहे हैं नोएडा हमारी क्यूट गर्ल के पास, और भाई आज उसके ऊपर बहुत तगड़ा प्रैंक होने वाला है। तो हाँ जी दोस्तों, जिस चीज की आप डिमांड कर रहे थे आज आपका भाई वो चीज लेके आ चुका है, प्रपोज प्रैंक। भाई आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे यार, भाई प्रपोज प्रैंक लाओ, प्रपोज प्रैंक लाओ। तो भाई आज फाइनली आपका प्रपोज प्रैंक आपका भाई लेके आ चुका है, और अभी हम चल रहे हैं नोएडा उसी के पास। एक तो भाई गर्मी इतनी हो रही है ना, घर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई। अंदर एक टी शर्ट वेयर कर रखी, हाथ काले ना पड़े, इस चक्कर में मैंने ऊपर से शर्ट डाली है। इतनी गर्मी हो रही है ना, वो बिचारी तो यार पैदल आती है, ऑटो से आती है यार, काफी दूर तक तो मेरे से मिलने यार। तो अभी हम उसी के पास चल रहे हैं, आज इसके ऊपर बहुत गंदा प्रैंक होने वाला भाई। आज वो किलस जाएगी, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, आज ना तबाही हो जाएगा। पापा की परियों से बच के गाइस, हमारी बाइक बहुत महंगी है, पापा की परियों से बच के भाई आज पक्का गिलसेगी। आप मेरे से शर्त लगा लो 100% भाई, कहीं ना कहीं मेरे को भी कुछ ना कुछ उसके मन में लग रहा है मेरे को लेके। वो थोड़ा सा सीरियस है भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो फ्रेंड नहीं मानती, फ्रेंड से ज़्यादा ही मानती है, लेकिन आपका भाई तो मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं जा रहा, लेकिन भाई फिर भी उसकी फीलिंग्स जो है वो सच्ची है। आज मतलब मैंने सोच लिया उसको मैं रुला के छोड़ूंगा भाई, आज मेरे को ना वो रुलानी है, ऐसा ना हो गाइस कोई मजाक मजाक में ज्यादा ही गुस्सा हो जाए, उसके बाद उसे ना संभालना ही भारी पड़ जाए, क्योंकि भाई जब बंदा बिगड़ता है ना तो संभलता नहीं। तो आज मैं अपना न्यू हेलमेट निकाल के लेके आया हूँ गाइस दोस्तों, नहीं तो मैं वो एक पुराना हेलमेट था उसी में सेटअप लगा रखा है रेगुलर यूज के लिए, उसी को लेके आया था। आज मेरा मन कर रहा था एक दो रील शूट करेंगे, बाकी यार अभी तो मैंने सोचा भी नहीं है उसको कैसे प्रपोज प्रैंक करना है, कैसे क्या करना है भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यार अपने साथ कोई और बंदा हो ना तो उसको दूर से कैमरा पकड़ा दो और वो हमें देखता रहेगा, वो चीज एक सही लगती है मुझको। अब यार अपने साथ कोई होता है नहीं, मैं प्रैंक भी नहीं कर पाऊंगा, सही बताऊँ ना कोई और होएगा तो हंस के ही मर जाऊंगा मैं। देखते हैं उसका रिएक्शन लेंगे हम अपने इसी कैमरे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फेस नहीं दिख पाएगा तो क्या हुआ।
इसी कैमरे से उसका रिएक्शन तो हम ले ही सकते हैं ना। और भाई मेरे को एक बंदे के बारे में बात कर रही है यार, मेरे साथ का ही बंदा था। था का मतलब समझ रहे हो ना, था भाई। इतना दोगला है ना वो, मेरे से फेम पाने के चक्कर में मेरे से थोड़ा सा उसका भला हो जाए तो बिगर बात की लड़ रहा है। मेरे कमेंट में आके मुझको गालियां दे रहा है, कॉल मैसेज पे मेरे को गालियां दे रहा है। चिंता मत कर भाई, तेरा ना तो मैं नाम लूंगा ना तेरे को फुटेज दूंगा। तू यही चीज तो चाह रहा है, मैं तेरा नाम लूं, तेरे ऊपर वीडियो बनाऊं और तुझे फेम मिल जाए। ये चीज तो भूल जा यार, तू दोगला था, दोगला है और तू दोगला ही रहेगा। और जो तूने गालियां दी है ना माँ बहन की, जो तूने शुरू करा है कोई बात नहीं बेटे, खत्म मैं करूंगा। तू मिल दोगला, जो ये वॉर ग्रुप था ना, ये उसका मेंबर है, एडमिन बना बैठा है भाई। ये इतना घटिया बंदा है ना, इसके ग्रुप के बंदे के साथ जाते हैं, जिस किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ इसका फिक्स हो जाता है पहले 10% 20%। हम तो पूरा पे कर रहे हैं लेकिन ये उसमें से 20% खाता है। इतना घिरा हुआ, इतना दोगला बंदा है ना ये। इसके बारे में तो बहुत सी बातें करनी है गाइस, बाद में करेंगे किसी बढ़िया सी वीडियो में। आज थोड़ा सा मूड अच्छा है तो ऐसे दोगले के चक्कर में अपना दिमाग खराब नहीं करना, समझ रहे हो ना। ये तो कुछ कर नहीं पाया, इसने तो अपना चैनल ही बंद कर दिया। आपका भाई थोड़ा बहुत कर भी रहा है तो इसको ना वो बुरा लग रहा है। कोई नहीं, छोड़ो यार, उसकी दोगले की बात करेंगे बाद में। तो आ चुके हैं मेरे भाई अपनी क्यूट गर्ल के पास, पहुंचने ही वाला हूँ। वाओ, रील शूट हो रही है हमारी। हेलो, क्या बात है, आज तो रील शूट कर रहे हो यार मेरी। हाँ। और बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? बस बढ़िया। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आपको? हाँ। मैं तो? क्यों मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, जा रहे हो यार, मतलब किसी को सच बोलो तो ब्यूटी लगता है। वैसे एक बात बताऊँ, स्मार्ट तुम भी आज बहुत गजब लग रहे हो भाई। नहीं सही बता रहा हूँ, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। पता है वैसे इतनी गर्मी हो रही है और ये बाइक भी इतनी गर्म है, लेकिन मेरे को रास्ते में आते में गर्मी नहीं लगी, तुम्हारे पास आके मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। इतनी हॉट हो आप? अब बस करो, ठीक है? मस्का मत लगाओ। मस्का नहीं लगा रहा रियल में यार, सच में दिख रहा होगा आपको, माथे पे पसीना आ रहा है, फेस पे पसीना आ रहा है। तो ज्यादा ही हो रहा है। तो आप बाइक पे बैठो। अरे मम्मा, ओ बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूं। बस बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। और क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज? कौन देनी है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे यहाँ खड़े खड़े कितना टाइम हो गया पता है तुम्हें? हैं, कितना लेट आए हो? 15 मिनट। और कितने बजे बोला था आने को? 15 मिनट लेट हूँ बस, मैंने देख लिया टाइम। लेट नहीं हो ज्यादा? 15 मिनट लेट हूँ, मैंने देख लिया। 15 मिनट यहाँ खड़े रहना, कितना देख रहे हो सारी तरफ सुनसान है। अच्छा एक बात सही से बताओ, आज तुम जा कहाँ रहे हो? तुम्हारे ही पास आती हूँ, और कहाँ जाती? स्मार्ट लग रहे भाई, बताओ ना क्या सरप्राइज दे। कुछ नहीं, बस ऐसे मिलने के लिए बुलाया था। मिलने के लिए तो मैं तुमसे चार पाँच दिन हो गए बोला था आने के लिए। आज आया ना? अपने मन से आते हो, ठीक है? तुमने मुझे एक बार बोला ना आने के लिए, मैं आ गई ना एक बार में। तुमने बोला कुछ सरप्राइज देना है, गुड न्यूज है, कुछ जल्दी आओ। मतलब तुम बोलो कुछ नहीं, ऐसे ही मन कर रहा था। बताओ ना क्या सरप्राइज है। कैसे बोलूं यार, मुझसे बोलो। आपसे ना कुछ बात करनी थी यार मेरे को। हाँ जी, अर्जेंट ही है। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ का ऐसा लगा यार, कैसे बताऊँ, मेरे ना समझ में नहीं आ रहा, बड़ा नर्वस फील हो रहा हूँ। मैटर ना थोड़ा सा सीरियस है, मैं क्या बताऊँ आपको। क्या हो गया यार? आपको जैसे पता ही है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। ना किसी के साथ मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ, ये भी बात आप जानते हो। अच्छा चलो यार, आप एक काम करो, उधर फेस घुमा लो, मैं जो भी है ना ऐसे नहीं बोल पाऊंगा सामने। क्या इंसान है, मतलब नाम बताने के लिए भी। मुंह मत घुमाना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? देखो आपको पता ही है हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। अप्रोक्स 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। हाँ। है ना, मिलते भी हैं एक दूसरे से, मतलब हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। हाँ। तो यार कैसे बताऊँ आपको, मैं ना आपको पसंद करता हूँ और आई लाइक यू, एंड मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। आई लव यू। प्रैंक तो नहीं कर रहे ना? पागल हो यार, प्रैंक करूँगा, देख लो कैमरा लाइट जल रही है? नहीं।
बंद है। सच्ची में? हाँ जी। प्रैंक नहीं है, सच में सीरियस यार, मैं आपको पसंद करता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। सच्ची बोल रहे हो ना? सच्ची बोल रहा हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? झूठ क्यों बोलूँगा यार मैं आपसे यार, ये बात कोई झूठ बोलने की है? वैसे मैं भी इतने टाइम से ना यही सब मेरे मन में था, मैं बोलना चाह रही थी लेकिन तुमने बोल दिया। क्या? यही कि मैं भी तुम्हें लाइक करती थी। सच में? लेकिन बताया नहीं इसलिए कि तुम्हें पता नहीं कैसा सोचो, क्या सोचोगे मेरे बारे में कि मैंने एक फ्रेंड बनाया है, और मेरे भी दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा। थैंक यू तुमने ही बता दिया। सच में आपके दिल में फीलिंग्स हैं? ये ना तुमने बोल दिया, मैं भी आपको बहुत कर रहा हूँ। मैं ना आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, ठीक है? किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। जहाँ प्यार हो या किसी भी चीज़ के लिए बोलोगे मैं करूँगी। कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी नीड हो, भी हो हाँ। पैसे की, किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ की नीड हो मैं पूरा करूँगी। बस यार कभी धोखा मत देना, बाकी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ यार। यार मुझे तो मुझसे ज़्यादा आप सीरियस लग रहे हो यार। हाँ यार मैं सोचा मैं बता देती तुम्हें पहले, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि तुम फिर ये बोलो क्या, मतलब होता है ना कुछ लोग गलत समझने लगते हैं कि गाड़ी की वजह से या किसी और पैसे की वजह से। मुझे नहीं है इन सब चीज़ों की ज़रूरत, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग है। बाकी मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊँगी। कोई तुम्हें अगर कुछ गलत बोले या किसी के बारे में, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी सोचता है ना, मैं नहीं सोचूँगी ना, मैं कुछ बोलने लगूँगी। यार आप तो मुझे कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हो यार। तो तुम भी तो लाइक करते हो ना, बोल तो रहे हो ना, आप क्या प्रॉब्लम क्या है यार? एक्चुअली बात क्या है ना, कैसे जो भी है तुमने बोल दिया ना, आप छोड़ो कुछ बात नहीं है, आप बस थोड़ा हैप्पी हैप्पी हो जाओ। यार बात ये है काजल, यार आप तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो यार मेरे को लेके यार। हाँ तो यार सीरियस हूँ ना, फीलिंग्स है, सच्ची है, कोई झूठी तो नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुमको बोला कैमरा तो ऑन नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें यार बताना सबको सही नहीं लगता ना। तो मैंने सोचा किस दिन शेयर करूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई मेरी तुमसे बोलने की, तुम बताने की। यार एक्चुअली बात ये है काजल, मैं आपसे ना मजाक कर रहा था यार। क्या मजाक? मेरी YouTube फैमिली ना यार मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रही थी आप प्रपोज प्रैंक करो काजल के ऊपर। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ ऑन नहीं है, ठीक है? कैमरा ऑन है यार। नहीं है ऑन। कैमरा ऑन है, वो मैंने सामने की लाइट ना बंद कर रखी है यार, तो इसलिए मैं आपके ऊपर ये प्रैंक लेके आया भाई। मुझे नहीं पता था आप, ठीक है, ठीक है, तुम और तुम्हारी YouTube फैमिली बाहर में जाए, ठीक है? बहुत है, किसी की फीलिंग का ना मजाक बनाने का एक लिमिट होती है। हर बार यार तुमने मेरे साथ जो जैसी जैसी फीलिंग वो करना चाहा मैंने करा, ये गलत है ना, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। अरे तो रो क्यों रहे हो? अरे सुनो तो सही, अरे सुनो एक मिनट, अरे इधर तो आओ। अरे तो चली गई यार, अरे सुनो। शिट यार, शिट शिट गाइस, रो के गई है भाई आज भाई, मैं जानता हूँ वो नहीं रुकेगी। शिट यार दिमाग ख़राब हो गया, अगर ये लड़की रुकने वाली होती ना तो रुक जाती है अभी तक भाई, देख रहे हो चली गई यार, और अभी ये शायद मिलेगी भी नहीं, और रोती हुई गई है। गाइस यार मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए ना गाइस ये प्रैंक नहीं करना चाह रहा था यार मैं, इसीलिए नहीं करना चाह रहा था। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, अब मुझे पता है मैं उसके पास जाऊंगा अभी ना तब भी वो नहीं रुकेगी और ना मिलेगी मेरे से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, और घर आते ही यार मैंने सबसे पहले ना फ्रेश हुआ, नहाया धोया भाई, बहुत गर्मी थी बाहर जिसका कोई जवाब नहीं, और यार क्यूट गर्ल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है भाई। मैं उसके पास गया कैमरा ऑफ करके,
उसको मैंने बहुत कोशिश करी रोकने की, वो नहीं रुकी, सीधा निकल गई। मतलब वो बात भी नहीं कर रही, उन्हें नंबर वंबर सब ब्लॉक कर दिए, मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं कर रही। मतलब बहुत ज्यादा क्लच चुके, इसी वजह से ना मैं उसके ऊपर ये प्रैंक नहीं कर रहा था, मुझे पता वो क्लच जाएगी। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं भाई आगे। अभी वो बहुत गुस्से में यार, बहुत ज्यादा गुस्से में भाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई कमेंट अच्छे अच्छे करना, जिसे देख के उसका दिल खुश हो जाए और वो बात कर ले। अभी फिलहाल वो बात नहीं कर रही है और मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है भाई, बहुत गुस्से में गई है। रोड पे ना रुक भी नहीं रही थी, मतलब चिल्ला रही थी भाई, भड़क रही थी बहुत ज्यादा। चलो मिलते हैं यार किसी और बढ़िया सी वीडियो में, टाटा बाय बाय।